कुछ एल्गी के कुछ आवास अपने इसके पहले वाली क्लास में डिस्कस किए थे, उससे आगे अपन और डिस्कस करते हैं एल्गी। कुछ एल्गी आवास के हिसाब से क्रिप्टोफाइट्स कहलाती है। क्रिप्टोफाइट्स में स्नो एल्गी, जो बर्फ में पाई जाने वाली एल्गी होती है, जो कि माउंटेन टॉप और जहाँ पे स्नो होता है वहीं होती है ये एल्गी। इसका एग्जाम्पल है हीमोकॉकस। हीमोकॉकस नाम की जो एल्गी है वह माउंटेन की टॉप पे जहाँ पे स्नो होता है, बर्फ होता है, वहाँ पाई जाती है। थर्मोफाइट्स है, थर्मोफिटिक एल्गी वो एल्गी होती है जो हाई टेम्परेचर में रहती है। हाई टेम्परेचर मीन्स कि हॉट स्प्रिंग, जो गर्म झरने होते हैं जिसका टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। और इसका एग्जाम्पल है हेप्रोसाइफॉन लिग्नोसस। हेप्रोसाइफॉन लिग्नोसस नाम की एल्गी है, वह हाई टेम्परेचर में पाई जाती है। वह झरने जहाँ पर टेम्परेचर बहुत अधिक हो, इट इज नियर अबाउट 85 डिग्री सेल्सियस। हेलोफिटिक एल्गी, जैसे कि इसका नाम है, जिसमें नमक होता है, सॉल्ट ज़्यादा होता है पानी में, वहाँ पर ये हेलोफिटिक नाम की एल्गी पाई जाती है। फाउंड इन वाटर विथ हाई सॉल्ट। सेम एल्गी है परंतु उसकी डिफरेंट स्पीसीज है, वो सेलाइन वाटर में पाई जाती है, हेप्रोसाइफॉन सेलाइना। देन लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स वो एल्गी होती है जो कि मॉइस्ट एरिया में ज्यादा रहती है, जहां बहुत अधिक रॉक पे नमी हो, तो रॉकी सरफेस पे होती है। पहले जो एल्गी पड़ी उसका क्या था, रॉक के ऊपर रहती थी, एरियल होती थी। यह रॉक की सरफेस पे पाई जाती है, और वह सरफेस जहां बहुत ज्यादा मॉइस्ट हो, नमी बहुत अधिक हो, वहां पर पाई जाती है। इसके अतिरिक्त और कई प्रकार की एल्गी की हैबिटेट होती है, जैसे कि एपिफिटिक एल्गी। एपिफिटिक एल्गी वो एल्गी होती है जो कि दूसरे पादपों पे ग्रो होती है, केवल उन पादप की सरफेस पे ग्रो होती है, दूसरे प्लांट्स पे ग्रो होती है, उसको अपन एपिफिटिक एल्गी कहते हैं। इस एल्गी का सिप्ले ल्यूरियोस एल्गी, जो क्राइसोफाइलम नाम की एल्गी होती है, इसका उदाहरण है सिप्ले ल्यूरियस एल्गी जो होती है, वह जनरली पत्तियों पे दूसरे पौधे के ऊपर रहती है। उसके बाद एपिजोइक एल्गी। एपिजोइक एल्गी वह एल्गी होती है जो कि जीवों के सरफेस पे रहती है, कछुए के सरफेस पे, कछुए के शरीर पे पाई जाती है, मॉलस्कन से टर्टल्स के, तो कछुए के जो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी ऊपरी सतह पर, जीवों के ऊपर यह एल्गी रहती है, जिसे कहते हैं एपिजोइक एल्गी। एक्रोसाइफोनिया, दिस इज फाउंड ऑन शेल्स ऑफ टर्टल्स, खोली पे, सेल्स ऑफ टर्टल्स एंड मॉलस्कंस, जो मोलस्का ग्रुप के होते हैं जीव उसमें, और कछुए पे, या दे मे फाउंड इन द फिशेस की ऊपर सतह पर लगी रहती है। दिस इज कॉल्ड एपिजोइक। एंडोजोइक एल्गी, एंडोजोइक एल्गी वो होती है जो एक्विटिक एनिमल्स के, जो जल में रहते वाले एनिमल्स है, उसके शरीर में रहती है। These algae found in the inside the body of aquatic
उसमें रहती है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा विरिडिस की बॉडी के अंदर एक एल्गी रहती है जिसे जू क्लोरेला कहते हैं, जू क्लोरेला ये इसका एग्जाम्पल है। फिर पैरासिटिक एल्गी होती है, सिम्बायोटिक एल्गी होती है। तो पैरासिटिक और सिम्बायोटिक अग्नि और जो आवास है एल्गी का, उसके बारे में अपन नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट एल्गी विच वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट पैरासिटिक एल्गी, वह एल्गी होती है जो कि एज ए पैरासाइट रहती है। फॉर एग्जाम्पल दे आर फाउंड ऑन दी अदर एनिमल्स विद इन दी बॉडी, और जो एक बीमारी फैलाती है जो पैरासिटिक करती है, जैसे कि सिफेल्यूरोस, सिफेल्यूरोस नाम की एल्गी है। इसकी वायरेसेंस ये रेड रस्ट ऑफ टी बाय विच ए सीवियर डैमेज इज कॉज, ये चाय की पत्ती में रेड रस्ट ऑफ टी नामक डिजीज फैलाती है चाय की पत्ती में। उसके बाद सिम्बायोटिक एल्गी, सिम्बायोटिक एल्गी जो कि सहजीवन व्यतीत करती है, कई तरह की सिम्बायोटिक एल्गी है जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ एक सहजीवन, जो एक दूसरे से दोनों को बेनिफिट होता हो। मैनी एल्गीज दे ग्रो with other organism or other plant, दूसरे प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, सहजीवन। इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन नोस्टोका एंथोसिरोस के साथ, फॉर एग्जाम्पल नोस्टोक है, इट विल बी एसोसिएटेड विद एंथोसिरोस, एंथोसिरोस जो कि एक ब्रायोफाइट है। नोस्टोक एक एल्गी है जो इन दोनों का सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी हैबिटेट ऑफ एल्गी। मैंने आपको कई तरह की हैबिटेट बताई है, उनके एग्जाम्पल दिए, कहाँ कहाँ एल्गी रहती है, किस फॉर्म में रहती है, डिटेल में बताया। आगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में एल्गी के साइज पे डिपेंड करेंगे और फिर आगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।